नमस्कार, आप सबको मेरा बहुत बहुत सावन के महीने में हार्दिक सबजनों को शुभकामनाएं दे रही हूँ आप सबको कि परमात्मा आप सबकी मनोकामना शिव भगवान पूरी करें। तो चलिए हम आज आपको बताते हैं कि प्रेग्नेंट औरत फास्ट कैसे रखे। प्रेग्नेंट औरत, जरूरी नहीं कि सावन का, करवा चौथ हो, तीज हो या कोई भी त्यौहार हो, उसको व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अगर वो रखना चाहती हैं तो उन्हें कैसे रखना चाहिए, क्योंकि आप प्रेगनेंसी में भूखा नहीं रह सकते बिल्कुल भी, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत जी पल रहा है, एक महान आत्मा भी जो अपने अंदर एक सृष्टि का जो है नियम वो है चल रहा है। हम उस सृष्टि के नियम को तोड़ नहीं सकते, उस जीव को हम भूखा नहीं रख सकते। तो चलिए हम आपको बताते हैं प्रेगनेंसी में कैसे व्रत किया जाए। आज भी हमारे भारत में ऐसी परंपरा है, कई ऐसे गाँव हैं, ऐसी कई भी आज भी ऐसी जातियाँ हैं जो व्रत रखना बहुत ज़रूरी मानती हैं, चाहे भले ही प्रेगनेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो, उन्होंने व्रत रखना है तो वो रखेंगी। उनको हम आज बताते हैं कि वो व्रत रखें तो कैसा रखें, जिससे कि उनको ये पाप ना लगे कि उनका अंदर से पल रहा जीव कष्ट सह रहा हो, जो उसको भूखी रह के उनको तकलीफ़ दे रही हूँ। आपने उसको बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं देनी, आप व्रत भी रख सकती हैं और ऐसा रखिए आप भी खुश और आपका पल रहा बच्चा भी खुश हो, उसको भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। व्रत रखने का एक सीधा सीधा मैं आपको बात बताती हूँ। आप उठिए, नहाइए, धोइए, स्नान कीजिए, स्वच्छ कपड़े पहनिए, नहा धो के आप जिसकी भी आराधना करना चाहती हैं, जिस देव की भी आराधना करना चाहती हैं आप कर लीजिए। उसके बाद आप एक ग्लास बड़ा लीजिए दूध का, आप उसमें इलायची भी डाल सकते हैं, आप उस दूध को पी लीजिए। दूध के साथ अगर आप कुछ लेना चाहती हैं, एक एप्पल भी ले सकती हैं, आप उसे पीजिए। थोड़ी देर बाद फिर अगर आपको भूख लगती है आप फिर फल ले सकते हैं। आप दूध में व्रत के चावल आते हैं उसकी खीर बना के भी आप ले सकती हैं। भगवान ने ये नहीं कहा कि आप एक टाइम भोजन खाओ, आपने अन्न नहीं ग्रहण करना तो मत कीजिएगा, लेकिन आप उसको फलाहार बना सकती हैं, फल ले सकती हैं, उसमें कोई वो नहीं है। नमक नहीं खाना चाहती तो मत खाइएगा, आप फलाहार पे रहिए। फिर आपको थोड़ी देर बाद आप भूख लगती है आप उसमें से कोई और ऐसा कर सकती हैं, फ्रूट बनाइए, काटिए, फ्रूट चाट बना के आप उसे खा सकती हैं। ऐसा करने से आपको एक तो व्रत आपका चलता रहेगा, दूसरा बच्चा भी आपका भूखा नहीं रहेगा, तीसरा ईश्वरी प्रसन्न रहेगा। वो आप पूजा कब करें, पूजा का बेनिफिट लेने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपको सिर्फ अपने लिए 5 मिनट निकालने हैं और वो पूजा का टाइम सही होता है प्रदोष काल, संध्या का व्रत। आप संध्या के टाइम अपने आराध्य की पूजा कर सकते हैं, चाहे वो सावन हो तो शिव की पूजा वैसे भी प्रदोष काल में की जाए तो उसका 100 गुना ज़्यादा फल मिलता है, ये मैं आपको बताऊं। अगर आप कोई और व्रत रख रही हैं, करवा चौथ का रख रही हैं, तीज का रख रही हैं, तब भी आपको भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है। आप तब भी संध्या के टाइम, शाम के टाइम आप दूध ले सकती हैं, फल ले सकती हैं। अगर आप इससे भी ज़्यादा आपको लगता है कि मैं भूखी नहीं रह सकती और डॉक्टर आपको एडवाइस दे रहे हैं कि आपने खाना ही खाना है, तो आप संध्या की टाइम पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद जैसे सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद आप अपना भोजन वैष्णवी खाना खा सकती हैं और उसमें कोई भी आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि सूर्य के छुपने के बाद एक देखा जाए तो दिन जो हो समाप्ति हो जाती दिन की, और आप सूर्य छिपने के बाद आप उसे वैष्णवी खाना बनाइए जिसमें हम लहसुन प्याज नहीं डालते हैं। आप दाल बना सकते हैं, मिक्स वेज बना सकते हैं, पनीर की सब्जी, आलू की सब्जी, सैलड काट सकते हो, फ्रूट चाट बना सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, चपाती, चावल सब लेके आप पूरी अपनी डाइट ले सकते हैं। इससे क्या होगा, देखो दिन के टाइम आप फलाहार रहे, आपने परमात्मा का ध्यान किया, और प्रदोष टाइम आपने संध्या के काल आपने ईश्वर की आराधना की, उसकी पूजा की और ईश्वर के आगे आपने प्रे की, वो संस्कार आपके बच्चे में भी आए और आपने भर पेट खाना उसके बाद खाना है, आपने भूखा नहीं रहना। तो ये आप कर सकती हैं प्रेग्नेंट महिलाएं, बिल्कुल भूखा रहने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है।